नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्रा में। मित्रों, नक्षत्रों की सीरीज में आज हम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के विषय में जानने के लिए आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ बैठे हैं। पहले भी आपने बहुत ही अच्छे से नक्षत्रों को समझना सीखा है उत्तरा दीदी से, तो आज का विषय के ऊपर भी वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार। एक्चुअली इस सीरीज की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमें इनका नक्षत्रों का पौराणिक महत्व बहुत अच्छी तरह से पता है। हम लोग सब जानते हैं इनका धार्मिक और पौराणिक महत्व, लेकिन ये हमारे मन पर क्या प्रभाव डालते हैं लग्न की कुंडली के अनुसार, और हमारे व्यवसाय में, हमारी मेंटेलिटी में, हमारी रोगों में किस तरह के प्रभाव डालते हैं, इस दृष्टिकोण को लेकर हमने ये सीरीज हमारी शुरू करी है। अब हम आ जाते हैं, आज हमारा 20वें नक्षत्र का नंबर है जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है इसका नाम, और ये धनु राशि में है। वृश्चिक लग्न राशियों तक के जो नक्षत्र हैं, 18 नक्षत्र पूरे हो गए। धनु राशि में पहला नक्षत्र मूल नक्षत्र था, अब उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। ये नक्षत्र जो है धनु राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक है। यहाँ पे राशि स्वामी गुरु हो जाता है और नक्षत्र स्वामी जो है वो शुक्र है। इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये तीनों नक्षत्र जो है शुक्र के मालिक है। इस शरीर के जिन अंगों पर, देखिए भरणी नक्षत्र में शरीर के विभिन्न अंगों पर, अन्य अंगों पर प्रभाव रहा है गले में, शुक्र के ही नक्षत्र का, लेकिन जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि में आया है तो इसका जो अधिकार है हमारे शरीर के किन अंगों पर आया है वो है हमारी जांघें, हमारे कूल्हे, हमारे स्पाइनल कॉर्ड का निचला हिस्सा, आर्टरीज और वेन्स। ये सारे जो महत्वपूर्ण हमारे शरीर के अंग हैं जिनसे हमारा अंग संचालन होता है, हम चलते हैं, हमारे पैर हिलते हैं, विशेष रूप से हमारी पैरों की मूवमेंट डिपेंड करती है। कईयों को प्रॉब्लम आती है तो उनका चलना फिरना भी दूभर हो जाता है, बहुत लंगड़ा के या बड़ी मुश्किल से चलते हैं। तो ये रोग किस प्रकार के दे सकता है इस नक्षत्र में, यदि अफ्लिक्शन है, लग्न पर है, पाप ग्रस्त हो गया है, या छठे भाव में है, या आठवें भाव में है, या बारहवें भाव में है, तो जांघों से रिलेटेड साइटिका, साइटिका रोग सबसे पहला आता है इसमें। उसके अलावा क्योंकि गुरु और शुक्र की युति हुई है, यहाँ पर गुरु राशि स्वामी है, शुक्र नक्षत्र स्वामी है, ये दोनों ग्रह मिलकर हमें डायबिटीज भी देते हैं। तो यहाँ पर यदि कोई पाप ग्रह बैठता है और उसकी दशा वगैरह चलती है तो डायबिटीज भी होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। गुरु शुक्र दोनों मिलकर, गुरु खाने पीने की देता है, शुक्र जो है पैनक्रियाज का भी कारक है तुला राशि के कारण, है ना, तो ये प्रभावित करते हैं हमारे डायबिटीज फैलाने वाले या बढ़ाने वाले अंग। रूमेटिज्म, जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द, श्वास के रोग, सांप संबंधी, क्योंकि धनु राशि के सामने मिथुन राशि पड़ती है। ये धनु राशि पाप ग्रस्त होती है तो इनडायरेक्टली मिथुन राशि भी हो जाती है दृष्टि संबंध से, तो श्वास के रोग, और नमी मॉइस्चर जब होता है तो फेफड़ों में परेशानी हो जाती है, फेफड़ों में भी ऊपरी हिस्सा जो है उसमें, कभी कभी तो कैंसर भी पॉसिबल होता है क्योंकि यहाँ गुरु इन्वॉल्व है। इसके अलावा हिप में गाउट हो जाता है, हिप गाउट जिसको बोलते हैं, या फिर सर्दी जुकाम मिथुन राशि, और उसके ब्लड में भी कोई पॉइजनिंग टाइप हो जाती है, रक्त जैसे सड़ने लगता है। ये एक बीमारी है, थोड़ी रेयर है लेकिन कभी कभी संभव है, उसमें दुर्गंध आती है, या फिर घुटनों के ऊपर वाला हिस्सा जो है हमारा थाइस का, उसमें सूजन आ जाती है। ये खास खास रोग हैं जो ये दोनों का संजोग मिलकर हमें प्रदान करता है। अब आती है इनकी मानसिक विशेषता, लग्न पर है, शुभ है, हमें किस तरह की मेंटेलिटी ये प्रदान करती है। एक तो पर्सनालिटी, दोनों शुभ ग्रह हैं और दोनों आपको प्रफुल्लित स्वभाव, खुश मिजाज, दिलदार, इस तरह का नेचर देते हैं, तो चुंबकीय व्यक्तित्व, जो पर्सनालिटी रहती है वो बड़ी अट्रैक्टिव रहती है, मैग्नेटिक रहती है, सब लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उनका नेचर भी बहुत खुला रहता है, उदार रहता है, और नजदीकी रिश्तेदारों वगैरह से भी वो अच्छा से मिलजुल कर रहते हैं, विनम्र होते हैं, ईमानदार होते हैं, उनकी मेंटेलिटी सबको प्यार करने वाली उनकी मेंटेलिटी, जबकि केतु के नक्षत्र में ये कमी पाई जाती है।
और मध्यम मार्गी होते हैं, लड़ाई झगड़े में ज्यादा विश्वास नहीं करते, मध्यम मार्ग अपना के सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, आशावादी होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के होते हैं, नेगेटिविटी कम रहती है, इसके अलावा सहनशील भी होते हैं, पेशेंस की कमी नहीं रहती, धैर्य पूर्वक दूसरों की बातें सुनना, उस पर निर्णय करना इन्हें बहुत अच्छी तरह आता है। हाँ, इनको ये एक चीज जरूर है कि इनको आराम देने वाली और महंगी चीजें जो है वो पसंद आती हैं, कि आरामदायक चीजें हो चाहे वो महंगी हो वो पसंद आ जाएंगी। दिमाग जो है इनका बिल्कुल सुलझा हुआ रहता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और ये सब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहती है, और ड्रामा और आर्टिस्ट प्रेमी रहते हैं, कलाओं को प्रेम करते हैं, डांस ड्रामा जो भी जितनी भी तरह की कलाएं हैं वो इन्हें पसंद आती है। इसमें ये बच्चों के से मन वाला बन जाते हैं, सत्य के प्रति समर्पित, शुद्ध और समृद्ध जो है जीवन जीना चाहते हैं, घर में भी पूरी सुख सुविधाएं इनको चाहिए, क्योंकि दोनों ग्रह गुरु हमें समृद्धि प्रदान करता है और सुख सुविधाएं जो है शुक्र प्रदान करता है, तो दोनों मिलकर सुख समृद्धि देते हैं। और व्यक्ति अपने परिवार पर विश्वास भी करता है, मित्रों पर भी विश्वास करता है और उन पर गर्व भी करता है, ये उसकी मेंटालिटी। अब हम आ जाते हैं उनके व्यवसायों कि ये दोनों ग्रह मिलकर किस प्रकार के हमें व्यवसाय देते हैं। एक तो सबसे पहले आता है जजेस, गुरु यहाँ का यहाँ इन्वॉल्वमेंट है, तो लॉ, मैनेजमेंट, एजुकेशन, इन सब का जो है प्रभाव रहता है। तो जज भी बन सकते हैं, वकील भी बन सकते हैं ऐसे लोग, अगर कॉमर्स लेते हैं तो बैंकर भी बन सकते हैं, या कई लोग कुछ भी सब्जेक्ट्स पढ़ के बैंकिंग में चले जाते हैं। अगर लोअर ग्रेड की नौकरियां देखें तो हम कैशियर, अकाउंटेंट, हायर लेवल पे देखें तो डायरेक्टर तक बन सकते हैं किसी कंपनी के, या फिर रेवेन्यू या वित्त विभाग जो रहता है उसमें काम कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि खाद्य पदार्थों से जुड़े हुए हैं, खाने पीने की चीजों में चंद्रमा उसमें थोड़ा इन्वॉल्व रहता है जरूर, तो चीनी, दूध, इनका काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सूती वस्त्र या सिल्क के भी वस्त्र, रबर, रेलवे विभाग, सड़क विभाग, क्योंकि शुक्र जो है परिवहन का कारक है, तो सड़क विभाग, रेलवे विभाग, भवन निर्माण, हवाई यात्रा यहाँ तक की, या फिर इन इन सब के विभागों में व्यक्ति जुड़ सकता है किसी में भी, या फिर देवी के मंदिर के निकट काम करता है, क्योंकि नवी राशि है धनु राशि जो हमारे धर्म भाव से, धर्म से जुड़ी हुई है, और शुक्र देवी का, तो देवी मंदिर में भी काम करने वाला होता है, सामाजिक कार्यकर्ता होता है, या फिर वेलफेयर ऑफिसर सरकार में लग जाता है, मतलब लोक कल्याण विभाग जो होता है पब्लिक के आराम के लिए, उनको सुख देने के लिए, उनके कल्याण के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें वो काम करता है। इसके अतिरिक्त पशुपालन, बाग बगीचे और नर्सरी में भी काम कर सकता है। ट्रांसपोर्ट विभाग तो मैंने आपको बताया ही सही, परिवहन विभाग, छोटे से छोटे में भी हम जाएं तो टैक्सी ड्राइवर भी हो सकता है, बस चलाए, गाड़ी चलाए, ट्रेन चलाए, हवाई जहाज चलाए, कुछ भी वो चला सकता है। और नहीं तो म्यूजिक में कुछ इंटरेस्ट है तो म्यूजिक में संगीतकार बन सकता है, फिल्म शो करवा सकता है, या फिर विदेशों से व्यापार भी संभव है, इस तरह से एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में काम कर सकता है, रेस्टोरेंट चला सकता है, हॉस्टल चला सकता है, और पार्टनरशिप बनके काम कर सकता है किसी के साथ, आयुर्वेदिक दवाइयों का भी कार्य कर सकता है, फिजिशियन का भी, बच्चे और मातृ रोग जो हम कहते हैं ना, स्पेशलिस्ट होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, मैटरनिटी स्पेशलिस्ट होते हैं डिलीवरी करवाने में, उन अस्पतालों में भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि गुरु बच्चों का या संतान का कारक है और शुक्र जो है स्त्री का कारक है, तो यदि सूर्य भी उसमें संयोग करता है तो ऐसे डॉक्टरी क्षेत्र में जाकर सफल रहते हैं। तो बहुत सारे प्रोफेशन, एक एक ग्रह जो है 50 तरह के प्रोफेशन बताता है। सवाल ये रहता है कि हमें व्यक्ति की रुचियों का भी पता लगना चाहिए कि व्यक्ति किस विभाग में जाना चाहता है, उसकी किस क्षेत्र में रुचि है, और उसके साथ साथ उसकी किन ग्रहों की दशा भी चल रही है। इन सब को हम समेट कर यदि हम निष्कर्ष देंगे तो हमारे जो निष्कर्ष हैं वो सही साबित होंगे। तो सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, नक्षत्र भी देखें, अगर ये प्रोफेशन पे होता है, दसवें भाव में होता है, धनु राशि, और इस पर सूर्य जो भी ग्रह स्थित है या जिस भी ग्रह की दृष्टि है उसके अनुसार, और उसकी दशा अर्धदशा भी चल रही है, तो उसके अनुसार जो है उसका प्रोफेशन या व्यवसाय जो है निर्धारित हो जाता है। मैं आशा करती हूँ कि ये आपको अच्छी तरह अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आप इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, हमेशा की तरह श्रेष्ठ संपूर्ण। तो सभी से मेरा आग्रह रहेगा, आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे है, जिनको कोई शिक्षा संबंधित या कंसल्टेंसी संबंधित कोई भी बात करनी है आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ एक बहुत शानदार वीडियो के लिए हृदय से आभार, धन्यवाद और नमस्कार।